बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं अल्ताफ मलिक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अल्ताफ मलिक। मेरी ये वीडियो पेंशनर के लिए है और मेरी गुजारिश है वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब, सेक्रेटरी पंजाब और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से गुजारिश है कि पंजाब के पेंशनर जिनको आप लोगों ने भीख समझकर सिर्फ 5% उनकी पेंशन में इजाफ़ा किया है, आप सिर्फ़ अंदाज़ा लगा लें कि बिजली का बिल जो 2000 रुपये आता था आज 8000 रुपये आ रहा है, पेट्रोल जो 100 रुपये लीटर था आज तकरीबन 250 रुपये लीटर हो गया है, 3 गुना 4 गुना बढ़ चुके हैं। और जब पंजाब के पेंशनर की बारी आई तो आप लोगों को ये जेब नहीं देता कि आप बाकी सूबों को तो 17.5% बनाएं और पंजाब के लिए सिर्फ 5%। मेरे ये कुछ दोस्त इसी वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, मगर मैं कुछ कहना चाहता हूं कि हम लोग पेंशनर्स के साथ जितनी नाइंसाफ़ी हो रही है ये शायद कभी नहीं हुई। हमारी पेंशन में कभी भी इंक्रीमेंट नहीं लगती, सरकारी मुलाजमीन की फिर भी पेंशन में इंक्रीमेंट लगती है। और आप ये देखें कि जो पुराने पेंशनर हैं उनको तो अपने दफ्तर में भी इज्जत नहीं मिलती, जहां उन्होंने 30-30, 40-40 साल नौकरी की है, और उसके बाद आज वो लोग भी लिफ्ट नहीं करवा रहे और हमारी गवर्नमेंट भी हमें नहीं करवा रही। दुनिया में तमाम पेंशनर को इतनी इज्जत दी जाती है जिसका सोचना सिर्फ हम लोग सोच ही सकते हैं। बहरहाल आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारी पेंशन पर नज़रसानी फरमाएँ, जैसे फेडरल ने बढ़ाई है, जैसे KPK ने बढ़ाई है, जैसे सिंध ने बढ़ाई है, जैसे बलूचिस्तान में 17.5% बढ़ी है, हमारी कम से कम इतनी 17.5% ही बढ़ा दें, आपकी मेहरबानी होगी। मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोल सकता, ना बोलना चाहता हूँ, क्योंकि गुस्सा इंसान को अक्ल को खा जाता है और बाद के मसाइल हमारे लिए खड़े होते हैं। मैं बहसियत पेंशनर और मेरे ये दोस्त जो मेरे साथ बोल रहे हैं, आप इनकी बात सुनें, आप इनके बंद चुप नहीं होंगे। आपको हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेहरबानी करें, आप जैसे बाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफ़ा किया है, बाकी पेंशन की पेंशन में इजाफ़ा किया है, हमारी पेंशन में भी 17.5% इजाफा करके मशकूर कर। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का रिटायर्ड हूँ। इतनी महंगाई के दौर में जनाब चीफ मिनिस्टर पंजाब साहब ने, जो कि केयर टेकर हैं, महंगाई के बावजूद सब तमाम सूबों ने भी, मरकजी गवर्नमेंट ने भी पेंशन में इजाफा 17.5% किया है, जबकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 5% किया है। वल्लाह इनको पेंशनर से क्या मुखालफत है, क्या दुश्मनी है, जो इतनी महंगाई के आलम में सिर्फ और सिर्फ 5% इजाफा देना, और वो भी इतने बूढ़े पेंशनर हैं बेचारे, जिनके लिए बहुत मुश्किल होती हैं, उनके बच्चे बहुत दूर होते हैं उनसे, और उनको माली तौर पे बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं, दवाइयाँ ख़रीदनी होती है, घर का राशन इंतज़ाम करना होता है। अगर वो इस तरह से उनके साथ दुश्मनी करेंगे तो ये लोग उनको क्या दुआएं देंगे? मेरी ख्वाहिश है, बल्कि मेरी गुजारिश है मरकजी गवर्नमेंट उनको मजबूर करे इस बात पर कि वो 17.5% का इजाफा बाकी जैसे तमाम सूबों ने भी और मरकज ने भी दिया है पंजाब की पुराने मुलाजमीन को, रिटायर्ड मुलाजमीन को दिया जाए, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम, मैं पंजाब का पेंशनर हूँ। जो गवर्नमेंट ने पेंशन में 5% इजाफा करके हम पे बहुत रहम किया है, इस पे नज़र आसानी की जाए। दूसरे सूबों ने जो 17.5% दिया है उसके मुताबिक ही हमारे लिए भी इजाफा किया जाए, ताकि हमारे भी अखराजात उतने ही हैं जितने दूसरे सूबों के आवाम के हैं, लिहाजा हमारे पे रहम किया जाए और हमारी पेंशन में दूसरे सूबों के मुताबिक ही मराहत दी जाएं। इसीलिए गवर्नमेंट से इल्तमास है कि वो हमारे ऊपर रहम करते हुए सारे पेंशनरों के साथ एक जैसा सलूक करें, पूरे मुल्क में एक जैसा कानून होना चाहिए, किसी के लिए अलहदा और एक सूबे के लिए अलहदा कानून जो है वो दुरुस्त नहीं होता। हमारे भी उतने ही हकूक हैं जितने दूसरे सूबों के आवाम के हकूक हैं, लिहाजा हमारे पेंशनरों पर रहम करते हुए 5% की बजाय
17.5% जो दूसरे सूबों ने दिया है वो उसी हिसाब से हमारे भी इजाफा किया जाए, और हमारा जो मेडिकल है, क्योंकि जाहिर है 60 साल की उम्र के बाद मेडिकल पे भी अखराजात ज़्यादा होते हैं, उसमें भी उस पर भी नज़रसानी की जाए, उसमें भी माकूल इजाफा किया जाए। इसीलिए इल्तमास है कि हमारी इस गुजारिश को जो है वो तस्लीम किया जाए और हमारे हाल पे रहम किया जाए। मैं पंजाब गवर्नमेंट का रिटायर्ड मुलाजिम हूँ। मैं पंजाब हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि हमारी ये जो 5% पेंशन बढ़ाई है इस पर नज़रसानी की जाए, ताकि जिस तरह दूसरे सूबों में या मरकज में जिस तरह 17.5% बढ़ाई गई है, ताकि कुछ न कुछ बता है इसमें गाय के आलम में कुछ न कुछ तो कुत खरीद हो सके और इसका अजाला हो सके। बर मेहरबानी इस पर नज़रसानी की जाए, ताकि ये घर का सरकल घर का खर्चा चलाया जा सके। 5% के क्या करें, हमें कहाँ लेकर जाए इसको, ये तो कुछ भी नहीं बनता हमारे। ये राशन बाकी जो चीज़ें भी खरीद करनी होती है उसके बारे में सोचें सोचने पर मजबूर हो गए कि हम रिटायर्ड मुलाजमी कहाँ जाए। पंजाब गवर्नमेंट ने इतनी बहुत ज़्यादा बढ़ाई है कि हम सोचने से भी कहते हैं कि क्या किया जाए इसका। ठीक, ये दोस्त पेंशनर थे जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और इसहाक डार साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से गुजारिश कर रहे थे कि जनाब आप मेहरबानी फरमाएं और हमारी पेंशन में इजाफ़ा फरमा दें। तो जाते जाते आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें, और जो पेंशनर अपने जज्बात एहसास अब पहुँचाना चाहे कमेंट्स में भी दे, उसके बाद मुझे एक वीडियो, मैं नीचे नंबर दे रहा हूँ, एक वीडियो, एक मिनट की वीडियो या डेढ़ मिनट की वीडियो बना के जो इनके पैगाम हो वो उसमें मुझे इस व्हाट्सएप पे भेज दें, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उनको उसको भी शामिल कर लूँगा। मेरे जो दोस्त पेंशनर शामिल होना चाहें मोस्ट वेलकम। जाते जाते बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, अल्लाह हाफिज़।